अब हम वापस से आते हैं राशियों पर और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि ये सब काम सही ढंग से करना चाहते हैं, इनके हिसाब से काम हुआ तो ठीक, नहीं तो उठ के चले जाएंगे। भाई मेरा नहीं, भाई ये सिस्टम ठीक नहीं है, मैं नहीं काम कर सकता, उठे के चले जाएंगे। अगर इनको लगा कि इनका ढंग से किससे बात नहीं बन रही है तो उठ के चले जाएंगे, ये विवाद नहीं करते, ये उठ के चले आते हैं। क्योंकि काम होता है तो हो, नहीं होता तो मेरे भाग्य में नहीं था, नहीं मिला, बाढ़ में जाए। ये जो भाषा होती है ये तुला राशि का जिनका मंगल होता है उनकी होती है। तो मंगल जिन लोगों की कुंडली में तुला राशि में होते हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं और अपने सिस्टम से चलते हैं, वो किसी और के सिस्टम को पसंद नहीं करते। इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की आदत होती है, जिसके कारण क्या होता है कि इन लोगों को सफलता और लोगों के मुकाबले ज़्यादा मेहनत से करनी पड़ती है। तो तुला राशि वाले मंगल को का शुक्र से संबंध हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो भावुकताओं में गलतियां करते हैं, जो अक्सर रिलेशन नेगेटिविटी का शिकार होते हैं, वो ये तुला राशि वाले मंगल वाले होते हैं, जिनके रिश्ते उनको दुख देते हैं, क्योंकि वो तो बोल के आ गए और रिश्तेदारों ने मुंह बना लिया, उसके बाद उसको बुलाना बंद कर दिया। तो ये जो काम होता है ये तुला राशि वाले मंगल का होता है। ऐसे लोगों को उन्हें बैल को गुड़ देने से लाभ होता है। बैल एक कारक है जो ताकत का कारक है, जिसके पास मंगल जितनी ही ताकत है, और बैल को मतलब जानवरों की सेवा करनी चाहिए, बंदरों को गुड़ चना डालना चाहिए, बैल को देना चाहिए। ऐसे लोगों को उनको मतलब जीवों के से लाभ होता है, उनको ही करना चाहिए जिससे उनको लाभ की स्थिति हो। तो जैसा नारायण जी बता रहे हैं कि तुला राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। अगर उनको नहीं समझ आता तो वो दे स्टार्ट मूविंग अहेड विद द थिंग्स। लेकिन अगर आपको किसी भी समस्या का इस दौरान सामना करना पड़ रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको जानवरों की सेवा करनी है, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और ये जो समय है वो आपका आसानी से कट जाएगा।